हेलो दोस्तों, इस लॉकडाउन में हमारे देश में 4 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ का हुआ है तो वो हुआ है एजुकेशन का। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, सारे कोचिंग सेंटर्स भी बंद हैं। सारे स्टूडेंट्स घर में बैठ के ही अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इन 4 महीनों में मुझे मौका मिला ये सोचने का कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी और बहुत सिंसियरली एफर्ट देने के बाद भी हम एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या दूसरे स्टेट के सिविल सर्विस की परीक्षाएं हो, हम बहुत कम मार्क्स में, कम मार्क्स के चलते हम प्रीलिम्स या मेंस की परीक्षाएं पास नहीं कर पाते। तो मैंने उन कारणों को ढूंढने का प्रयास किया और ये मुझे जो समझ में आया वो ये कि स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिक्स पे काफी ध्यान देते हैं। यानी अगर ट्रिक से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वो वही ट्रिक्स जो है एग्जाम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि अगर एक एक दिन में अगर दो दो तीन तीन या चार चार सिटिंग्स में एग्जाम है तो सभी सिटिंग्स में पैटर्न्स जो है एग्जाम्स के वो अलग आ जाते हैं और तब स्टूडेंट जो है वहां पे अपने आप को बेबस महसूस करते हैं कि नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर पाएंगे लेकिन काफी समय लग जाएगा जो उनके एग्जाम्स को कॉस्ट करेगा। कभी कभी तो 1 नंबर 1.5 और कभी कभी तो 0.25 के लिए हम प्रीलिम्स और मेंस क्रैक नहीं कर पाते। तो ये जो हम कट ऑफ से जो नीचे स्कोर करते हैं, कभी स्टूडेंट ने ये नहीं सोचा कि हम कट ऑफ के ऊपर क्यों नहीं स्कोर करते हैं, 10 15 20 नंबर हम कट ऑफ के ऊपर क्यों नहीं जाते। मुझे जो समझ में आया वो इसका कारण ये है कि हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि ट्रिक से ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। आप ग्रामर का कोई भी लेसन, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या जनरल नॉलेज हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में स्कोर में कन्वर्ट होगा और आप आसानी से एक ही स्टेप में, एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शाह और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे, वेयर कॉन्सेप्ट इज सक्सेस, जहां मैं आपको हर विषय पे कॉन्सेप्ट दूंगा, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट का सेक्शन हो या जनरल नॉलेज हो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट में देने की कोशिश करूंगा इस उद्देश्य से ताकि आप कोई भी एग्जाम आसानी से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतना समर्थ आप हो जाए, इतने एबल आप हो जाए कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाए। मेरा ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे पर्पज यही है कि ये एजुकेशन पूरे देश में सभी तक पहुंचे ताकि बच्चे घर बैठे ही अपने एग्जाम्स की तैयारी इस तरीके से कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी ग्रामेटिकल नॉलेज को या क्वांट के नॉलेज को या रीजनिंग के नॉलेज को कैसे एग्जाम्स के साथ रिलेट करके उसे स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से अपने किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। स्वागत करता हूं मैं सभी सभी आप सभी का यहाँ पे। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं ये वीडियो ग्रामर के टॉपिक से है, जो मैं नाउन के केस के ऊपर डिस्कस करूंगा। मैंने एग्जाम्स के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन, जहां पे मैं नाउन के, नाउन का जो केस टॉपिक है उसके ऊपर मैं 10 एरर फाइंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने का जो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपको हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स आप दे दें, आपको इस कॉन्सेप्ट को आसानी से एग्जाम में स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। When I arrived at the gate of his house, I found he is locking up the door. तो जैसे कि मैंने पहले ही चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि नाउन के केस के ऊपर ये 10 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपने शायद अभी तक एरर ढूंढ लिया होगा, फिर भी मैं आपकी मदद करता हूं कॉन्सेप्ट समझाने में। आप देखिए, आई फाउंड हीज लॉकिंग ऑफ द डोर, क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। आप यहां पे अगर ध्यान से देखें तो आप इस वर्ड को देखिए, लॉकिंग, लॉक एक वर्ब है जिसके साथ हमने आईएनजी हमने यूज किया है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे भी आई आपका एक सब्जेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब हो जा रहा है, यहाँ पे हमने एक प्रोनाउन का पोजेसिव केस जो किससे बनता है, ही से, हमने एक पोजेसिव केस हमने यूज किया है, तो केस पे ही ये सारे क्वेश्चन है। अगर आप लॉकिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में क्या मीनिंग आ रहा है कि व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब मैं उसके घर के दरवाजे पे पहुंचा, आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने क्या देखा,
इज लॉकिंग ऑफ द डोर कि वो अपने घर को ताला मार रहा था. दैट मीन्स समथिंग वॉज गोइंग ऑन, कुछ एक्शन टेक प्लेस हो रहा था. ऐसे वर्ड्स को हम लोग पार्टिसिपल्स कहते हैं. पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल की खासियत क्या है कि या तो ये एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब की तरह यूज होता है. अगर आप इसको ध्यान से देखें, लॉकिंग जो है यहां पे पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है. आई फाउंड उसको क्या करते हुए देखा, लॉकिंग करते हुए देखा. आई फाउंड हिज लॉकिंग. याद रखिए, जब भी कोई वर्ड एक पार्टिसिपल की तरह जब यूज होगा, यानी आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह अगर हम यूज कर रहे हैं, तो नाउन का केस का नियम यह कहता है कि आप पार्टिसिपल के पहले हमेशा किसी पर्सन या प्रोनाउन का आप ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना है, ना कि पोजेसिव केस. इसका मतलब यह है कि यह हमारा गलत है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ही का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हम हिम यहां पे यूज करेंगे. इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द डोर. जब करते हैं तो आपका इस पार्टिसिपल के हिसाब से आपने पर्सन का सही केस आपने यहां पे यूज किया है. मैं और दो एग्जांपल देके आपको ये क्लियर कर देता हूं. जैसे कि पहला एग्जांपल है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. नंबर टू, I found him walking in the field. अगर आप इस दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे, आप देखिए यहां भी हमने वॉकिंग वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है और हमने सेकेंड सेंटेंस में भी वॉकिंग वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों के नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इसलिए ग्रामर में काफी जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना. अगर आप पहला सेंटेंस देखें तो हमने सेंटेंस की शुरुआत वॉकिंग नाम के सब्जेक्ट से की है. यहां पे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज डजंट मीन दैट समबडी इज वॉकिंग एट द मोमेंट व्हेन वी आर स्पीकिंग दिस वन. ओके, सो इस वक्त कोई चल नहीं रहा है, बल्कि यहां पे वॉकिंग का मतलब चल रहा है नहीं है, बल्कि वॉकिंग का मतलब टहलना. लाइक स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. So that doesn't mean that somebody is swimming at the very moment when we are talking about this question or somebody when they are speaking at the moment. So walking का मतलब यह होता है कि टहलना, यानी कि टहलना एक अच्छा अभ्यास है, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन इस वक्त कोई नहीं टहल रहा है, बल्कि टहलना यानी यहाँ पे इसको एक नाउन की तरह यूज किया गया है. लेकिन जानते हैं कि वॉक क्या होता है, एक वर्ब होता है, और वर्ब में यहाँ पे हमने आईएनजी लगाया हुआ है. तो जब एक आईएनजी वाला वर्ब जब एक नाउन की तरह जब बिहेव करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन, यानी जिसे ग्रामर के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं जेरंड कहते हैं. तो जब भी किसी जेरंड, ये यहां पे किस तरह से यूज हो रहा है, एक जेरंड की तरह यूज हो रहा है, एक वर्बल नाउन की तरह यूज हो रहा है. लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए काफी डिफरेंस है. आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड, यानी मैंने देखा उसे फील्ड में टहलते हुए, यानी कि उस समय वो क्या कर रहा था, टहल, जब मैंने उसे देखा यानी उस वक्त वो टहल रहा था. समथिंग इज गोइंग ऑन, यानी यहां पे ये एक पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है. तो मैंने पहले कहा था कि पार्टिसिपल जो है या तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है या एडवर्ब की तरह यूज होता है. आप देखिए इसके पहले हमने रूल के हिसाब से हमने पर्सन का हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है. आई फाउंड हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए देखा, वॉकिंग. यानी ये जो वर्ड है वॉकिंग, ये हिम जो प्रोनाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वॉकिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. क्योंकि एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, एनी वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग पार्टिसिपल हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल है तो इसके पहले हमें ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन अगर इसी वर्ड का इस्तेमाल अगर जेरंड की तरह होता है तो आप याद रखिएगा कि जेरंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस का नहीं बल्कि पॉजेसिव केस का इस्तेमाल करना है, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा. उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर टू आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि His maid servant behavior is undoubtedly indecent, but I don't understand how he tolerates it. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोला गया है कि his
मेड सर्वेंट बिहेवियर। तो चूंकि हम नाउन के केस को पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा यहां पे देखिए, पहले आप कॉमन सेंस यहां पे यूज कीजिए। हम क्या कर सकते हैं यहां पे, मेड सर्वेंट यानी कि जो घर की नौकरानी होती है, यानी नौकरानी किसकी है, किसे किसने इसे रखा है, हिज ने, तो ये उसकी नौकरानी है। तो ठीक है, यहां पे पोजेसिव केस से हमने इसका पोजेशन जिसके पास है हमने इसको शो कर दिया। लेकिन हुज बिहेवियर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या हम हिज के बिहेवियर की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मेड सर्वेंट के बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मेड सर्वेंट के बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच कोई लिंक तो होना चाहिए जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मेड सर्वेंट बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि ये हमारा यहाँ पे तो नाउन है, हम ये जानते हैं, और ये जो बिहेवियर है ये भी हमारा नाउन है। एक नाउन है, उसके बाद एक दोबारा नाउन है, यानी इन दोनों के बीच आपको एक पोजेसिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एक्चुअली यहाँ पे एग्जामिनर क्या बताना चाहता है, दैट मीन्स द बिहेवियर of the maid servant. The examiner is actually trying to express the idea of the behavior of the maid servant. तो यहाँ पे his maid servant, यानी यहाँ पे हमें एक apostrophe s का इस्तेमाल करके behavior को maid servant के साथ जोड़ना होगा. This actually we are talking about the behavior of the maid servant in this question. So हमारा answer क्या होगा? His maid servant's behavior, ये भी noun है, उसका consecutive एक और noun दिया गया है, दोनों के बीच हमें एक possessive case का इस्तेमाल करके इस question के concept को बिल्कुल clear करना पड़ेगा कि actually we are talking about the behavior of the maid servants. तो ये था क्वेश्चन नंबर टू का एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है कि काफी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, I postponed him going to Meghalaya tonight as I wanted him to deal with one of my major problems. I postponed him going to Meghalaya tonight as I wanted him to deal with one of my major problems. मेरा दो बार इस क्वेश्चन को पढ़ने का क्या पर्पज है, आपको यह समझाना कि कभी कभी आप अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, अगर आप भूल कुछ रूल्स को आप भूल गए हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चंस को कई बार जब आप पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ने के कारण क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाता है कि सेंटेंस में ए बी सी डी ई अगर पांच पार्ट में एक एरर फाइंडिंग को क्लासिफाई किया गया है तो किसी ना किसी पार्ट में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, थोड़ा ऑड फील हो रहा है कि नहीं यहां तो कुछ गड़बड़ है। हमें नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन इतना पता है कि इस पार्ट में गड़बड़। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि गलती क्या है और क्यों है ठीक कीजिए, वो इसे ये पूछता है कि सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है। तो ये भी एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जब आप आपके पास कुछ ना हो और आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये काफी मददगार साबित होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर वन जो एक्सप्लेन किया था आपको, वही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर थ्री में भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर दिया हुआ है कि आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू समवेयर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहां पे ये आई यहां हमारा सब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स, और यहां जो ये पोस्टपोन आप देख रहे हैं ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद यहां पे इन लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया है ठीक गोइंग के पहले। आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ें तो दिया है कि मैंने आज रात उसका मेघालय जाना पोस्टपोन कर दिया। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यहां पे ये जो गोइंग वर्ड आप देख रहे हैं गो के साथ जो आईएनजी गो भर्व होता है उसमें आईएनजी हम लगाया है, ये जो गोइंग है आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि नोबडी इज गोइंग टू मेघालय एट द मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस। When we are speaking or talking about the situation, but nobody is going to Meghalaya at the moment, but I postponed. He is going to Meghalaya tonight. तो वो आज रात को जो मेघालय जाएगा वो मैंने आज कैंसिल कर दिया। यानी यहाँ पे जो going यूज हुआ है यहाँ पे ये verb की तरह यूज नहीं हो रहा, यानी कोई काम कोई एक्शन यहाँ पे हैपन नहीं हो रहा है, बल्कि उसका मेघालय जाना। यहाँ पे गोइंग का जो मतलब है वो है उसका मेघालय जाना, लेकिन वो जा नहीं रहा है इस वक्त, वो रात को जाएगा। तो उसका जो रात को मेघालय जाने का जो प्रोग्राम है मैंने वो कैंसिल कर दिया। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि भर्ब होने के बावजूद भी ये भर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है,
बल्कि एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, और इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जेरंड बोलते हैं। और स्टूडेंट्स पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी जेरंड का यूज हो रहा है, यानी किसी वर्बल नाउन जिसे हम जेरंड कहते हैं उसका यूज हो रहा है, तो हम उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि हम पॉजिटिव केस यानी हिज का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। इस तरह से हमारा सेंटेंस परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है कि आई पोस्टपोन हिज गोइंग टू मेघालय। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि गोइंग आपने देख लिया, आप समझे कि ये वर्ब है या पार्टिसिपल है, बिल्कुल नहीं। आपके उसके नेचर को समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि नोबडी इज गोइंग टू मेघालय, लेकिन उसका मेघालय जाना मैंने कैंसिल कर दिया, यानी यानी यहाँ पे एक जो वर्ब है वो नाउन की तरह यूज हो रहा है, जेरंड की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हमें पॉजेसिव केस का हमें इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे सीखने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। आप क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखिए, वहां पे एक फ्रेज दिया हुआ है डील विथ, जो कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। दो तरह से हम डील को लिख सकते हैं, डील विथ और डील इन। ये भी एग्जाम में आपके एरर फाइंडिंग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डील विथ हम कब यूज करते हैं, व्हेन यू आर बिहेविंग विथ समवन, जब आप किसी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, किसी के साथ बिहेव करते हैं, जैसे कि यहां दिया है डील विथ वन ऑफ माय मेजर प्रॉब्लम्स, है कि नहीं, तब आप डील विथ का यूज करते हैं। व्हेन यू बिहेव विथ समबडी, व्हेन यू टैकल वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, तब आप डील विथ का यूज करते हैं। और डील इन का कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिजनेस सेल, यानी जब आप व्यापार की बात कर रहे होते हैं, जब आप सेल परचेस की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या में डील करते हैं, आई डील इन स्टेशनरी गुड्स, आई डील इन स्क्रैप गुड्स, तब आप उस समय डील इन का यूज करते हैं, डील विद का नहीं। लेकिन जब किसी से बिहेव कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को टैकल करने की बात, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड सेल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम बट समथिंग एल्स, तब आप डील यूज का, डील विद का आप इस्तेमाल करेंगे, ना कि डील इन का। तो ये भी जरूरी है कि जब आप कोई एरर फाइंडिंग कर रहे होते हैं, और एरर फाइंडिंग जिस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा भी अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, उसको भी जरूर देखें, वह आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द गार्डन टू ब्रिंग सम ब्यूटिफुल समर्स फ्लावर्स। तो चूंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन के केस को पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस पार्ट में नाउन के केस से जुड़ा हुआ एरर है। चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि नाउन के केस से जुड़ा हुआ एरर है, तो आपका ध्यान एक जगह गया होगा, जो कि है समर्स फ्लावर्स। आप इस फ्रेज को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समर विंटर ऑटम या स्प्रिंग एटसेट्रा, ये सब क्या है, नेम ऑफ सीजन्स। ये सब हमारे जो सीजन्स है, जो मौसम है, उनके नाम है। ग्रामर का नियम कहता है कि सीजन के नाम के बाद हम केस का इस्तेमाल, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि सीजन के नाम के बाद आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, यानी कि पॉजिटिव केस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आपको सिंपली आपको लिखना है समर फ्लावर्स। तो ये तो हुआ एक नियम, जहां पे ये कहा था कि सीजन के नाम के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसे सिंपल रखना है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो आपको जानना होगा। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, आप देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, आप जरा यहां पे सेंटेंस में देखिए कि क्यों ऐसा होता है। एक तो आप नियम समझिए कि सीजन के नाम के पहले हमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ये क्लियर हो गया। फिर भी आप कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। पहला सेंटेंस है, स्प्रिंग इज द किंग ऑफ ऑल सीजंस। नाउ आप इतना समझ सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत, द सेंटेंस हैज बिगन विद स्प्रिंग। हम जानते हैं स्प्रिंग क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है।
डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि यहां पे ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, यहां पे ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। स्प्रिंग इज द किंग ऑफ ऑल सीजन, तो यहां पे ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। लेकिन इसी स्प्रिंग को जब हमने इस सेंटेंस में लिखा तो आप ध्यान दीजिए, देयर आर अ नंबर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स इन दिस गार्डन। वी नो कि फ्लावर जो है नाउन है कि नहीं स्टूडेंट्स, फ्लावर नाउन है, लेकिन कैसे फ्लावर्स है, स्प्रिंग फ्लावर्स है। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे फ्लावर्स है, स्प्रिंग फ्लावर्स है, यानी ये जो फ्लावर जो यहां पे नाउन है इसको कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो है यहां पे एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो यहां पे जो वर्ड है नाउन, जो वर्ड है फ्लावर, इसको क्वालिफाई कर रहा है यहां पे वर्ड स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग जिसने एक सेंटेंस को स्टार्ट किया यहां पे एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, पर इसी स्प्रिंग को जो हमने यहां पे यूज किया तो इसके जिस तरह से नेचर है यहां पे ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ये जो नेम ऑफ सीजंस हैं हम इनका इस्तेमाल नाउन की तरह भी कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, और इसी यही कारण होता है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हम सीजंस के नाम के पहले एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नाउन के केस में ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा आपके एग्जाम में मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वयं क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, चूंकि हम केस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे एक फ्रेज दिया हुआ है पब्लिक्स ओपिनियन। ठीक है, हमें पता है कि पब्लिक जो है नाउन है और ओपिनियन भी क्या है, एक नाउन है, और यहां पे हम पब्लिक के साथ हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है जो कि ग्रामेटिकली नाउन के केस के नियम के आधार पे ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पे क्या होगा, हम सिंपली यहां पे जो हमने एपोस्ट्रोफी एस का हमने यूज किया है हमें इसको यहां पे यूज नहीं करना है। इसके रीजन क्या है, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने समझाया वही कॉन्सेप्ट यहां भी लागू होता है। जैसे कि आप वर्ड्स ले लीजिए, पब्लिक हुआ, हॉस्टल, सिटी, विलेज एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जो है जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, सेम रीजन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था कि हम ऐसे वर्ड को एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में और क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे द पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, द पब्लिक ओपिनियन डिमांड्स लाइफ कैरियर, और एग्जाम्पल लेते हैं दिस स्कूल हैज अ ब्यूटिफुल हॉस्टल, लास्ट एग्जाम्पल, शी रिमेंबर्स हर हॉस्टल लाइफ। तो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी क्लियर कर देगा। पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज, एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं जो जनरली हम लोग एग्जाम में देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है द पब्लिक कंसिस्ट्स ऑफ यू एंड मी, यानी यहाँ पे जो पब्लिक वर्ड का यूज किया गया है हम लोगों ने, यहाँ पे ये कैसे फंक्शन कर रहा है, नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब हमने यूज किया है जिसके साथ ऑफ नाउन कंसिस्ट के साथ हमेशा
ऑफ नाम का प्रीपोजिशन यूज होता है, और अगर आप कंसिस्ट ऑफ को यूज ना करना चाहें तो आप इसके जगह पे कंप्राइज आप यूज कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे देखिए पब्लिक को हमने नाउन की तरह यूज किया गया, लेकिन अगर आप सेकेंड नंबर सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां क्या दिया हुआ है, द पब्लिक ओपिनियन डिमांड्स लाइफ कैरियर। आप देखिए ओपिनियन यहां पे नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन किसका ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, यानी ओपिनियन के बारे में यह कहा जा रहा है कि इट रिलेट्स टू द पब्लिक, यानी यहां पे ये जो नाउन है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, पब्लिक जो वर्ड है ये क्वालिफाई कर रही है, यानी यहां पे पब्लिक जो है एक नाउन की तरह नहीं बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ड एक नाउन की तरह यूज हो रहा था दूसरे वाले सेंटेंस में वही वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अगर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें, दिस स्कूल हैज अ ब्यूटीफुल हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल क्या है यहां पे, नाउन है, कैसे समझ में आया, कैसा हॉस्टल है, ब्यूटीफुल हॉस्टल है, तो यहां पे ब्यूटीफुल जो है ये हॉस्टल को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और हॉस्टल हमारा क्या है, क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर को देखें, शी रिमेंबर्स हर हॉस्टल लाइफ, हम जानते हैं लाइफ हमारा क्या है, नाउन है, पर हम किस लाइफ की बात कर रहे हैं, हॉस्टल लाइफ की बात कर रहे हैं, यानी लाइफ जो वर्ड है इसका करेक्टरिस्टिक्स, इसका फीचर क्या है कि हम हॉस्टल लाइफ की हम बात कर रहे हैं, यानी यहां पे ये जो वर्ड हॉस्टल जो कि तीसरे नंबर सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज हो रहा था, यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड को हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फोर में सीजंस के लिए जो मैंने बताया था, और इसी कारण से हम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वेयर वी शुड अवॉइड यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस और पोजेसिव केस विद दिस वर्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखिए, ये आपको एग्जाम में काफी मदद होगा। इससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे जो इस रूल से रिलेट करते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह was totally valid in the present condition of India. तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में आपको कहां पे गलती नजर आ रही है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि this idea of anybody, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर आप इस सेंटेंस के इस हिस्से पे अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सही जगह पे हैं, आप एरर को निकाल सकते हैं। आप पहले अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, हम किसकी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आइडियाज की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आइडियाज की हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमने यहां पे ऑफ लगा के आइडिया को मनमोहन सिंह या कोई व्यक्ति हो उसके साथ आसानी से रिलेट कर दिया है। तो आइडिया जिनको बिलोंग करता है हम वहां पे ऑलरेडी बीच में एक ब्रिज की तरह ऑफ लगा के जो एक पोजेसिव केस का काम करता है, एक प्रीपोजिशन भी है और एक पोजेसिव केस का भी काम करता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का आइडिया, सुझाव। तो ऑलरेडी हमने नाउन के पहले पॉजिटिव केस ऑफ की तरह यूज करके आइडिया को डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलेट कर दिया है, इसलिए यहां पे ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं ये यूज जो है यहां पे बिल्कुल भी गलत है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। दूसरी बात देखें कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो हुआ मैंने कॉमन सेंस की बात की दिस आइडिया ऑफ समबडी, ऑलवेज यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे दिस या फिर दैट, दोज, दी, उसके बाद अगर हम नाउन का यूज करते हैं फॉलोड बाई ऑफ एंड देन नाउन, जरूरी नहीं है कि दोनों नाउन सेम हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं
तो एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो इसके ठीक आगे वाले क्वेश्चंस के लिए अच्छा है, जैसे कि कॉन्सेप्ट है ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर ये स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस में है, जो कि क्या फर्क है, फर्क सिर्फ ये है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में दिस हो, दैट हो, दोस, द, इन चारों के अलावा अगर ए आ जाता है तो नियम एकदम चेंज होता है। हमें इसके बाद जो नाउन होगा हमें उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को इससे मैच करें तो देखिए यहां पे है दिस, उसके बाद है आपको नाउन चाहिए, नाउन हमारा आ गया है आइडिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, एंड देन फॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह विच इज ऑल्सो अ नाउन, यानी कि दिस प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर होता है कहीं भी होता है तो आप इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर दिस के जगह पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब अगर सेम होता है तो आपको आइडिया को सही तरह से एक्सप्रेस करने के लिए आपको लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जहां लिखा हुआ है अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर, अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है दिस आइडिया ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यहां पे दिया है अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर। आप देखें यहां पे अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर, यानी यहां जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आप उस पर ध्यान दीजिए, ए फॉलोड बाय अ नाउन, देन ऑफ एंड देन अगेन नाउन। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर स्ट्रक्चर इस तरह से हो, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो लास्ट का जो नाउन होगा आपको उसमें हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। इसके पीछे का जो रीजन है ये आपको समझना पड़ेगा। अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर, अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा अ पिक्चर ऑफ राम, ओके, और दूसरा एग्जांपल है अ पिक्चर ऑफ राम्स, यानी पहले वाले सेंटेंस और सेकेंड वाले सेंटेंस सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का फर्क है। मैंने पहले वाले सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज किया है, जबकि सेकंड वाले में मैंने यूज किया है। दोनों में क्या फर्क है? पहला वाला जो सेंटेंस है लिखा हुआ है अ पिक्चर ऑफ राम, इसका मतलब होता है राम की तस्वीर, राम्स पिक्चर। लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है अ पिक्चर ऑफ राम्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वन ऑफ द सेवरल pictures belonging to राम, यानी राम की कई सारी तस्वीरों में से एक तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को देखें, मेरी बहन के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन दोस्तों में से उसके एक दोस्त ने, अ फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स। तो इस आइडिया को क्लियर करने के लिए आपको सिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग काफी अलग है। यानी अ फ्रेंड, एक दोस्त, यानी कई सारे दोस्त है मेरी बहन का, उन कई सारे दोस्तों में से एक दोस्त ने। ये जो सेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए इसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस को आपको यूज करना पड़ेगा, और आपको ये स्ट्रक्चर भी आपको यूज करना है। तो आपके पास रूल्स भी है और आपके पास कॉन्सेप्ट भी है। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपको स्कोर करने में काफी आसानी होती है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं, 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 कहता है ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विद हिज माइंड्स आईज। तो अगर हम ये क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, आपके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है माइंड आईज।
ग्रामर में कभी कभी कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसे हम लोग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, यानी वो एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जो जैसे हैं वो मूलतः वैसे ही फंडामेंटली वो उसी रूप में रहेंगे, उस पर ग्रामर का कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है किसी भी केस में। उसी कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आप देख रहे हैं माइंड आई, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसे इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि द माइंड्स आईज, उसी तरह से द हार्ट्स कॉन्टेंट, द सोल्स डिलाइट एटसेट्रा। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं या ऐसे और भी जो कि एरर फाइंडिंग में या फिलर्स में या क्लोज टेस्ट में यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिन पे ग्रामर का कोई नियम अप्लाई नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस है, ये जैसे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। यहां देखिए माइंड के साथ हमने क्या यूज किया है, एपोस्ट्रोफी है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दीज आर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द ब्लाइंड लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट इज अराउंड देम। अब इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पे दिया हुआ है द ब्लाइंड लाइफ, यानी द ब्लाइंड लाइफ, केस तो यहीं पे दिख रहा है, हमने यहां ब्लाइंड पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। जब आप ब्लाइंड एक नाउन है, यहां पे देखिए लाइफ एक नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, ब्लाइंड, सॉरी ये एडजेक्टिव की तरह यहां पे यूज हो रहा है। तो जब हम किसी एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली हम उसको नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं पूरे फ्रेज को, और जब आप द ब्लाइंड लाइफ कहते हैं तो आप पूरे जो ब्लाइंड यानी कि अंधे, अंधे लोग, जितने भी अंधे लोग हैं आप उसके पूरे क्लास को आप डिनोट करते हैं, उसे एडजेक्टिव होने के बावजूद भी द लगा देने से आप उसको एक नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं। इसलिए यहां पे जो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आप देख पाते हैं तो यहां पे हमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आप लिखे द ब्लाइंड लाइफ या द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कहां पे क्या एरर है, किस तरह का एरर है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपने, आई विजिटेड रोशन्स एंड शीतल्स हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आप अगर यहां पे ध्यान से दें तो जो बी पार्ट है जहां पे लिखा हुआ है रोशन्स एंड शीतल्स हाउस, और आगे अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कपल। कपल का क्या मतलब होता है, कपल का मतलब होता है पति पत्नी, तो पति पत्नी अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि पति पत्नी एक होते हैं, और पति पत्नी जो कपल होते हैं वो हमेशा एक घर में रहते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए कि यहां पे रोशन के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है और शीतल के साथ भी हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। ये गलत नहीं है, ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब दोनों कपल हैं तो पति पत्नी का घर तो एक ही होगा, दोनों एक ही घर पे रहेंगे, लेकिन जब रोशन और शीतल जब दोनों में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों, रोशन का अपना सेपरेट घर है और शीतल का अपना सेपरेट घर है। लेकिन चूंकि आगे आपको क्लू दिया हुआ है कपल यानी कि पति पत्नी, इससे आप पता कर सकते हैं कि नहीं ये दोनों पति पत्नी है, और पति पत्नी है तो दोनों का अपना एक ही घर होगा जिसके एक छत के नीचे वो रहते हैं। इस तरह के केस में आप जब एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो पहले वाले नाउन के साथ नहीं बल्कि लास्ट वाले नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है क्योंकि आपको यहां पे कपल दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रोशन एंड शीतल्स हाउस, क्योंकि दोनों कपल है। पहला वाला जो लिखा था वो गलत नहीं है, लेकिन चूंकि यहां कपल नाम का वर्ड आपको रेफरेंस में दिया हुआ है, आपको समझना होगा कि आपको केवल लास्ट नाउन के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है क्योंकि दोनों पति पत्नी है और दोनों के लिए दोनों एक ही घर पे रहेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में
डिवोर्स अगर हुआ रहता है, यानी कि दोनों में तलाक हो गया है, या दोनों कोई ऐसा वर्ड दिया है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको अलग अलग रहते हैं, तो आप दोनों में apostrophe s का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होगा कि जो लास्ट जो नाउन है शीतल, उसके साथ आपको apostrophe s लगाना है, दोनों के साथ नहीं। दोनों के साथ तब आप यूज करेंगे जब आपको कपल के जगह पे कुछ ऐसा वर्ड दिया हो जिससे आपको ये पता चलता हो कि नहीं, दोनों सेपरेट रहते हैं, अलग अलग घर पे रहते हैं, दोनों में तलाक हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज के ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपने समझा जो नाउन के केस के ऊपर है। ये मेरा पहला वीडियो है जहां मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एग्जाम्स में ट्रिक नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा साथ देगा, आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और जब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्स के क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आसानी से उसे स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और ये पहला नया यूट्यूब चैनल है जिसको जिसके लिए मैंने आज ये पहला वीडियो बनाया था। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोस दूंगा, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, या फिर जनरल नॉलेज हो, जहां पे मैं हर चैप्टर के ऊपर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है बल्कि ये कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा ट्रिक बनेगा, साबित होगा आपके लिए किसी भी एग्जाम को एक बार में क्रैक करने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल समर्थ पाएंगे। मैं और भी कई सारे वीडियोस बना रहा हूं, बहुत जल्दी ही टेंस के ऊपर ही मेरा वीडियोस आएगा। आपने टेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन टेंस आपको एक बात समझनी होगी, जब आप ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, क्वांट के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, रीजनिंग या जीके के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो आप उससे नॉलेज तो आपको समझ में आता है। जैसे अगर आप टेंस के वीडियोस को देखें तो आपको टेंस समझ में आ जाता है, लेकिन कभी आपने समझा है कि इस टेंस के इस कॉन्सेप्ट को, इस नॉलेज को हम एग्जाम के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे इसे एग्जाम में स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं? टेंस के क्वेश्चन फिलर्स में आ सकते हैं, एरर फाइंडिंग में आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट में आ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आ सकते हैं, पूरे आपके जो इंग्लिश का सेक्शन है सब टेंस से भरा होता है, लेकिन इसे हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, टेंस के नॉलेज को बढ़िया से अप्लाई नहीं कर पाते, यहां कमी रह जाती है। मैं इसी कमी को पूरा करने के लिए वीडियोस बना रहा हूं। आप लोग इंतजार करिए मेरे वीडियोस का, जो टेंस में बनाऊंगा, जो केवल आपको टेंस के नॉलेज नहीं देगा बल्कि आपको इसको सही से इसको अप्लाई करना भी सिखाएगा, और आपको मैं इसे कैसे एग्जाम से रिलेट करते हैं वो भी दिखाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जो मैंने शुरू की है यार, और इस जर्नी में मैं अकेला नहीं चल सकता, जब मुझे इस जर्नी पर चलने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मुझे प्रेरणा मिलता रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप सबके लिए कर रहा हूँ, जो सही कर रहा हूँ। और इस जर्नी मेरा साथ देने के लिए आप मेरे मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई है, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस समय वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें सभी के साथ। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में। थैंक यू।